हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे से हो? ठाकुर जी की कृपा भाई बनी रहे आप पर। तो हमारे पंडित जी को खाना है भाई, आज दम भरे आलू, दम आलू, तो बस वो ही बना रहे थे। ये बोले मैं ही बनाऊंगा आज दम आलुओं को। तो यहाँ देखिए फ्राई कर रहे थे, क्योंकि इनको भरमा तेल में सेकते हैं, तो ये थोड़े से डार्क से फ्राई, मतलब ब्राउन से कर रहे थे। तो मैं जो कह रही इतने ब्राउन मत करो, नहीं जले से लगेंगे। तो ये बोल दे ऐसे ही बनते हैं वो, तो मतलब ये थोड़े मतलब वो बस यही बनाएंगे, ये बोल रहे थे मैं ही बनाऊंगा आज। तो अभी लगे हुए हैं ये सेकने के लिए, तो कुछ आधे सेक चुके हैं, आधे कुछ थाली में रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये इनके दम भरे आलू आज खाएंगे हम। और आप बने रही हमारी वीडियो में एंड तक, आपको भी दिखाएंगे आज, देखना ये किस तरह बनाएंगे। तो मैंने भी बस सुबह से सारा काम से फ्री होके नहा के और पूजा पाठ करके बस मैं भी आ चुकी थी इनके यहाँ, क्योंकि मुझे भी इनकी हेल्प करना पड़ेगी। तो जो भी सामग्री रहती है वो तो मुझे ही देना है इनको, जब ये दम भरे आलू खिलाएंगे हमें। तो बस थोड़ा सा ये रह गया था जो इनमें, मतलब थोड़े गूंथते हैं इनको, बस थोड़ा सा मैंने ये एक आलू रह गया था ये गूंथने के लिए, तो बस इसको गूंथ देती हूँ मैं, क्योंकि गूंथ के ही अच्छे से सिकते हैं ये। तो ये देखिए थाली में इनके रखे हुए हैं, ये कुछ इन्होंने ऐसे कर दिए एकदम डार्क। मैं इनसे बोल रही थी थोड़ा डार्क मत करो, नहीं जले जले से लगेंगे, स्वाद सारा खराब हो जाएगा। तो बस यही मैं इनसे देख, एकदम इन्हें जाना ही खैरा सेक दिया ये। तो जब तक हमारे ये आलू कर रहे हैं, जब तक हम टमाटर और हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा लाल टमाटर नहीं थे, थोड़े से मतलब कम पके हुए थे, बस इनको थोड़ा सा और डाल के मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, जिससे हमारा मसाला उचटता नहीं है। अभी हम इनके लिए ग्रेवी बनाएंगे, तो बस थोड़ा सा मैंने इनको भूंज लेती हूँ, टमाटरों को, मिर्चियों को। तो यहाँ ले ली हमने 4-5 टमाटर ले लिए थे और मिर्ची ले ली थी, क्योंकि थोड़ा मसाला ज़्यादा हो जब ये अच्छे लगते हैं। इनकी बनाएंगे हम इनके लिए ग्रेवी, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब तक हम और देख लेते हैं। ये हमारे इनके आलू भी हो चुके, तो यहाँ बस ठंडे हो चुके थे, अब मिक्सी ग्राइंडर में इनको पीस लेते हैं। और यह हमारी कढ़ाई हो चुकी, तो साक्षी ने चालू कर दी थी गैस। और जब तक हमारे पंडित जी फोन पर चिपके हुए हैं, बात कर रहे हैं किसी से, तो बस थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कि बहुत ज़्यादा तेल दिखेगा इसमें ऑयल, तो मैंने बस थोड़ा सा निकाल लिया। और हमारी बस कढ़ाई गर्म हो रही है अभी, तो ये आ चुके हैं हलवाई हमारे बनाने वाले फोन से बात करके। तो अब बस कढ़ाई हो चुकी है, अब डालेंगे जीरा हम।
इन्होंने जीरा डाल दिया और जीरा चटक गया था, तो ये हमारी ग्रेवी मतलब टमाटर हरी मिर्ची पीछे रखी हुई थी तो बस ये डाल दिए इन्होंने। तो यहाँ बस अच्छे से मैंने भून लिया टमाटर और हरी मिर्ची के पेस्ट को और डाल देती है मसाला। तो बस सारे मसाले डालेंगे और अच्छे से इनको भी पकाएंगे हम। और सारे मसालों को बस अच्छे से भून लेते हैं हम। और इनका फोन भी बार बार आ रहा था तो ये भी बंद कर रहे थे, मतलब कॉलिंग बार बार आ रही थी। और बस अच्छे से इनको स्लो कर देते हैं, थोड़ा मसाला और डालेंगे धनिया को, क्योंकि भाई जब ही मसाला अगर इतने अच्छे से रहेगा भरमा तो जब ही तो दम आलू वालों को अच्छा सा बनेंगे, तो दम भरे आलूओं को तो मसाला ही चाहिए। तो अच्छे से ग्रेवी में डूब जाए जब ही अच्छे लगते हैं। और तो यहाँ डाल देते हैं कसूरी मेथी, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कश्मीरी मिर्ची, तो इससे क्या अच्छा सा कलर आता है और ढाबे स्टाइल भी लगती है सब्जी। तो यहाँ बस थोड़ी सी मैंने डाल दी और ये मसाले को अच्छे से भून रहे हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें, तो नमक हमारे टमाटर मिर्ची में डले हुए थे, थोड़ा सा ये डाला है मैंने आधा चम्मच। और बस मसाला हमारा अभी पक रहा है, और बस मसाला हमारा भुन चुका, तो ये हमारी घर की दूध की मलाई है, बस इसको डाल देते हैं और अच्छे से बस मसाले में मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। और बस मसाला हमारा मलाई फेंट गई इसमें, तो अब डाल देते हैं हम इन आलूओं को जो हमारे फ्राई करे हुए हैं, और उसे अच्छे से मिलाएंगे हम। और बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक देते हैं जिससे मसाला इसमें अच्छे से चढ़ जाए आलूओं में। पहले इन मसाले में अच्छे से इनको फ्राई करेंगे, भूजेंगे। तो यहाँ देखिए बस अब डालेंगे हम पानी इसमें, तो यहाँ बस भून चुके थे मसाले में ये, तो पानी डाल देते हैं। थोड़ी सी मैं रसीली टाइप की पतली ही रखना है ये, तो बस इसको हमने 15 मिनट पकाया अच्छे से, इसका पानी अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा पानी उतर चुका और हमारी सब्जी भी अब बन चुकी है। तो यहाँ देखिए मतलब इतनी पतले हमें रखना है क्योंकि अभी ठंडे होकर थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा इनमें। और यहाँ डाल देते हैं हम पनीर मसाला इसमें 1 चम्मच के अंदर, ये हमारा छोटा वाला पैकेट है, तो हमने बस इसमें पनीर मसाला डाल दिया, कलर दिया गया। ये हमारा फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है बिल्कुल, तो बस ये डाल दिया मैंने आधा कप और गैस को बंद कर दिया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब डालेंगे खूब सारा धनिया। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी। तो यहाँ बस ये इसको बंद कर दिया मैंने और अब बस ढक देते हैं। अब बना लेते हैं हम, तो यहाँ बना लेते हैं हम रोटियाँ भी फटाफट से। तो पहले हम अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगा देते हैं, उनको खिलाएंगे पहले दम भले आलू जब हम खाएंगे। तो बस पहले फटाफट से रोटियों को भी डाल लेते हैं, भोग भी लगा देते हैं। तो 2 रोटियाँ हमारी गाय के लिए और ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ बस ठाकुर जी की थाली लगा देते हैं पहले हम, उनका भोग लगाएंगे। तो हमारे पंडित जी की भाई रेसिपी दम भरे आलूओं की आपकी कैसी लगी? तो बस थाली हमारे ठाकुर जी की लग
लग चुकी है, तो वीडियो को हम एंड करते हैं। हाँ, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय।